Okay, salam dear friends. These days we are doing revision of the of your course. So for the revision, I selected the topic, the tripods. This chapter I supposed could be difficult for you people. कुछ इसका टेक्स्ट भी बड़ा ट्रिकी सा था और बड़ा मिस्टीरियस सा इसका टेक्स्ट था. ठीक है, जब हमने इसको पढ़ा था, यू मस्ट रिमेंबर. सो लेट्स स्टार्ट कि हम इसको रिविजन करते हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए. वी आर वेरी रियली वेरी कंसर्न अबाउट योर एग्जामिनेशन इन द प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन. सो थोड़ा सा मैं समराइज कर देती हूँ चैप्टर को पहले, ताकि आपको चैप्टर को समझने में उसे रिकॉल करने में आसानी रहे. ट्राई डियर स्टूडेंट्स, ट्राइपॉड्स हैड बीन रूल्ड ओवर द अर्थ फॉर मोर देन 100 ईयर्स. ट्राइपॉड्स तकरीबन 100 सालों से भी ज़्यादा ज़मीन पर हुकूमत करते रहे. They govern simply and effectively by dominating the minds of man. अच्छा, उनका हुकूमत करने का तरीका ये था कि वो लोगों के दिमागों पर कब्जा करते थे और लोगों के दिमागों पर कब्जा करके और फिर लोगों से अपनी मर्जी के काम करवाते थे, या फिर वो जिस तरह से चाहते उस तरह से लोगों को टेंड करते. ठीक है, दे केप्ट एवरी वन एट द एज ऑफ 14. अच्छा, तरीकाकार उनका ये था कि जब भी कोई 14 साल की उम्र का होता तो फिर वो उसे कैप कर दिया करते थे. अच्छा, कैप जो था ना, वो बड़ा कोई ऐसा आसान कैप नहीं था कि आपने मतलब टोपी पहनी और मस्जिद में नमाज पढ़ने चल दिए. वो कैप बहुत ही मुश्किल किस्म का और बहुत ही एक तरह से कहना चाहिए खतरनाक किस्म का कैप था. देखिए वो क्या था, द कैप यूज बाय द ट्राइपॉड्स वर मैशेस of silvery metal fitted over the skull and woven in the flesh of their wearers. अब देखिए वो इस तरह का था कि वो silvery metal का बना हुआ था और वो बना होता था और वो स्कल पर फिट किया जाता था, क्योंकि 14 ईयर्स की एज में तकरीबन बच्चों का स्कल जो है ना तकरीबन सेम साइज का होगा या अकॉर्डिंग टू साइज वो चेंज कर लेते होंगे. लेकिन वो क्या किया जाता, वोवन इन टू द फ्लैश, वो गोश्त में बुन दिया जाता था. वो इस तरह होता था कि अगर एक मरतबा ट्राइपॉड्स का के जो है ना फ्राहम करता जो कैप थे वो अगर पहन लिए जाते तो फिर उसे दोबारा उतार नहीं सकते थे. वो उसके साथ जुड़ जाता था, गोश्त के साथ, इंसानी गोश्त के साथ वो जुड़ जाता था, क्योंकि वो उसमें बुन दिया जाता था और उसको फिर उतारने का तसव्वुर ही नहीं पैदा होता था. ये बहुत ही अजीब सी बात थी. अगर इसको हम एक तसव्वुराती उसमें रखें तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर हम इसको फिजिकली सोचें तो ये बहुत ही कहना चाहिए तकलीफ दे भी है और बहुत ही एक मुश्किल सी चीज़ है. लेट्स टेक सम मोर लाइंस. द कैपिंग ऑफ चाइल्ड टुक प्लेस एट द एज ऑफ एडल्टहुड विद अ सेरेमनी. अच्छा, जब बलूगत का साल होता है, जब बड़ा होने लगता है बच्चा, तकरीबन 14 साल की उम्र इसमें हाईलाइट की गई, तो वो एक तकरीब में की जाती थी जिसमें उसको कैप किया जाता था. यानी कि उस तकरीब में एक ऐसा सिनेरियो डेवलप कर दिया जाता था कि बच्चे तकलीफ से घबराते भी नहीं थे, बल्कि क्योंकि तकरीब होती थी और सब लोग जमा होते थे और अप्रिशिएट कर रहे होते थे, तो वो बच्चे खुशी खुशी राज़ी भी हो जाते थे. तो ये बहुत कहना चाहिए कि साइकोलॉजिकली वो ट्रैप करते थे इंसानों को और इस तरीके से वो कैपिंग किया करते थे. दे कंसीडर्ड इट अ रूटिंग थिंग. वो समझते थे कि ये एक कहना चाहिए कि ये एक रास्ता है इस तरीके से इसको करने का. द स्टोरी ऑफ ट्राइपॉड्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एंड एक्सप्लेन्ड इन डिटेल्स बाय द बॉय हु बिलोंग टू द ट्राइपॉड्स इन द लैंग्वेज. अच्छा, ट्राइपॉड्स की जो स्टोरी बयान की जा रही है वो एक लड़का बयान कर रहा है. अभी तो ये हमने थोड़ा सा इसको समराइज किया, बाकी जो चैप्टर के अंदर जो स्टोरी बयान की जा रही है वो एक लड़के की जबानी है. ठीक है ना, एक लड़का उसको डिस्क्राइब कर रहा है. ही वॉज डाउटफुल अबाउट द प्रोसेस ऑफ कैपिंग व्हेन द कैपिंग. वो जो कैपिंग का प्रोसेस था उसमें उसको कुछ शकूक व शुबहात थे. ठीक है, तो वो कुछ मतलब इस बारे में कुछ थोड़ा अलग तरीके से सोचता था. ठीक है ना, व्हेन द कैपिंग
when the capping ceremony was being held with his cousin Jack. अच्छा, ये जैक की जब सेरेमनी होती है, ये जैक का ही कजन होता है और एक साल उससे छोटा होता है. नेक्स्ट ईयर इसकी सेरेमनी होने वाली होती है, जो कि हमारा नरेटर है, जो लड़का हमारा हमारे चैप्टर का नरेटर है. तो वो ये कहता है कि जब जैक की कैपिंग की सेरेमनी होती है, ही बिकेम एंशियस अबाउट हिज ओन कैपिंग सेरेमनी विच वॉज बींग हेल्ड डन द फॉलोइंग ईयर्स आफ्टर द सेरेमनी ऑफ हिज कजन. जब उसके दोस्त जैक की सेरेमनी होती है, वो अटेंड भी करता है, लेकिन वो इस बात के लिए बड़ा बेचैन हो जाता है कि अब अगले ही साल उसकी भी कैपिंग की सेरेमनी होने वाली है. ठीक है, ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट पैराग्राफ हियर स्टूडेंट. व्हेन ऑज़मंडस केम टू हिज विलेज, ही टोल्ड द बॉय अ स्ट्रेंज स्टोरी अबाउट द ट्राइपॉड्स. जब ऑज़मंडस आया उनके गाँव में और उसने लड़के को एक और अजीब कहानी सुनाई. He said that the tripods were not the well-wisher of man. In fact, they were enemies. उसने कहा कि बताया कि tripods असल में इंसान के well-wisher नहीं है. वो इंसान के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते, अच्छा नहीं चाहते, बल्कि दर हकीकत वो तो इंसान के दोस्त दुश्मन है. वो दोस्त नहीं है, वो अच्छा नहीं सोचते. जबकि लोग ये समझते थे कि ट्राइपॉड्स इंसानों की भलाई में ये सब कर रहे हैं, वो इंसानों के भले का सोचते, मगर ऐसा नहीं था. तो वो ऑज़मंडस ने हमारे जो नरेटर बॉय है उसको ये इस कहानी बताई, ये स्टोरी बताई. यूँ कहना चाहिए कि ये हकीकत उसको आश्कारा की कि ट्राइपॉड्स वेलविशर नहीं है, बल्कि दर हकीकत वो इंसानों के दुश्मन है. अब ये बच्चा कुछ और तरीके से सोचता है. He also told the boy that he knew such a free man who lived in White Mountains. जैसे कि हमारी पिक्चर में भी White Mountains दिखाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है. और यहाँ पर एक मैकेनिकल, ये मशीनी सा ट्राईपॉड है, ये तो एक मशीनी ट्राईपॉड है, मगर हमारी स्टोरी जो है ना वो कुछ इन्हीं के बारे में, कि ये जो इंसानों पर हुकूमत करने के चक्कर में है, ठीक है, ये White Mountains की पिक्स है. अच्छा, उसने, उस लड़के ने बताया कि लड़के उस शख्स ने, यानी कि ऑज़मंडस ने लड़के को बताया कि कुछ ऐसे भी, ऐसा एक ऐसा भी आदमी है जो कि आज़ाद है और वाइट माउंटेन में रहता है. एक्सक्यूज मी डियर स्टूडेंट, जो कि वाइट माउंटेन में बिल्कुल आज़ाद जिंदगी बसर करता है. वो ट्राइपॉड्स का गुलाम नहीं है और ना ही उसने कोई इस तरह की कैपिंग की हुई. ही आस्क्ड द बॉय टू ज्वाइन द ग्रुप हु डिसलाइक कैप्ड मैन एंड वुमेन. और उसने लड़के को कहा कि उन लोगों के ग्रुप को ज्वाइन कर ले जो कि कैप्ट ख्वातीन हजरात को नापसंद करते हैं, यानी कि इस तरह के ख्वातीन हजरात जो कि कैपिंग करवा लेते हैं वो उनको नापसंद करते हैं, ऐसा भी ग्रुप था, ठीक है. ही इन्वाइटेड द बॉय टू ज्वाइन हिम इन द जर्नी टूवर्ड्स साउथ. और उसने साउथ की तरफ, उसका जो सफ़र था वो आगे बढ़ रहा था, आगे जाने का इरादा रखता था, उसने लड़के को भी कहा कि वो उसको ज्वाइन कर ले और उसके साथ वो साउथ की तरफ चले. बॉयज कज़न ऑल्सो वेंट विद हिम. अच्छा, बॉय खुद भी, और असल में बॉय का कज़न भी, जैक की बात नहीं हो रही, कोई और कज़न, वो भी ऑज़मंडस के साथ चल पड़ा. वंस दे फाउट विद अ ट्राइपॉड एंड किल्ड हिम विद अ वेपन. एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि उनकी ट्राइपॉड से लड़ाई हुई और उन्होंने किसी हथियार से उसको मार भी दिया. आफ्टर द लॉन्ग जर्नी दे रीच द वाइट माउंटेन्स. और एक बड़े सफ़र के बाद वो सफ़ेद पहाड़ों पर या वाइट माउंटेन्स पर पहुंच गए. Dear students, I have brought some difficult words as well so that you can understand the text well. और आपके जो सीन कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आपको करने होते हैं, लाइक सबड्यू. सबड्यू जो आपके चैप्टर में वर्ड इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब होता है टू कॉन्कर, फतह करना. डिफाई का मतलब डिसोबे, नाफरमानी करना. रिक्रूट पीपल टू वर्क, यानी कि लोगों को सेलेक्ट करना काम के लिए. एंटागोनिस्ट, राइवल यानी कि दुश्मन. ऑपरेसर, अनजस्ट रूलर, गैर मुनसिफ,
यू नो के गैर मुनसिफ हाकिम, ठीक है ना, ऑपरेसर जुल्म करने वाले को कहते हैं। हार्नेस, हार्नेस टू अ कार्ट अटैच अ हॉर्स, आप समझ सकते हैं ये लगाम की बात हो रही है। हमने इसको एक दफ़ा पोइट्री में भी पढ़ा है, यानी कि 9th की पोइट्री 9th क्लास की, उसमें भी हार्नेस बैल का जिक्र होता है, ठीक है ना। वैग्रेंट ट्रैम्प वेंडर, वैग्रेंट जो यहाँ वहाँ घूमते फिरते। डोमिनेट टू बी ऑब्वियस टू रूल, हाकिम बनना। फीस्ट लार्ज मील, फीस्ट कहते हैं पार्टी को, लार्ज मील यानी कि बहुत बड़ा खाना हो, सब लोग मिलके, बहुत सारे लोग मिलके पार्टी करें, खाना करें, इसको कहते हैं फीस्ट, राइट। लेट्स टेक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज वन ऑफ द चेंजेस इन बिहेवियर मेंशनड इन द पैसेज दैट शो वन इज बिकमिंग एन एडल्ट। क्या ऐसा चेंज है हमारे पैसेज में, हमारे चैप्टर में बताया गया है कि जिससे पता चलता है कि कोई बड़ा हो गया है या बालिग हो गया है। वन सीज टू बी अ चाइल्ड एंड बिगेन, वन सीज टू बी अ चाइल्ड एंड बिगेन टू थिंक फॉर वन सेल्फ शो वन इज बिकमिंग एन एडल्ट। अच्छा, जब ऐसा होता है कि एक शख्स अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है और वो अब मजीद बच्चा नहीं फील करता, तो ये एक साइन है। इट यूजुअली अकर्ड एट द एज ऑफ 40। आमतौर पर 14 साल की उम्र में ऐसा होता है कि इंसान बालिग हो जाता है और वो शायद अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में इंडिविजुअली सोचना शुरू कर देता है। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। Dear students, that why did no one ever raise the question of whether capping was right or wrong? क्यों ऐसा हुआ कि कभी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि क्या capping सही है या गलत है? इसका जवाब देख लेते हैं। No one ever queried the rightness of capping। किसी ने भी capping के सही होने पे सवाल नहीं किया। Because for them it was an expected। क्योंकि उनके लिए अब ऐसा होना ही था। एंड लुक्ड फॉर थिंग्स अकंपनीड विद फीस्टिंग एंड सेलिब्रेशन, और वो ये सोचते थे, वो इस बात की उम्मीद करते थे कि कैपिंग हो और फिर वो लोगों से जुड़ जाए जिनकी कैपिंग हुई भी है, और फिर सेलिब्रेशन हो और पार्टियां हो। ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि लोग अट्रैक्ट हों, वो सोचें कि हाँ ये मतलब इस पार्टी का, इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना चाहिए। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3 माय डियर स्टूडेंट। हाउ डिड द ट्राइपॉड्स डोमिनेट द ह्यूमन माइंड? किस तरह ट्राइपॉड्स इंसानी दिमाग को कंट्रोल करते थे या उस पर हुकूमत करते थे, ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। फॉर ब्रेन वॉशिंग द ह्यूमन बींग्स एंड द डोमिनेटिंग ऑन देयर माइंड्स, the tripods used a special type of meshes of silvery metal filled in caps। acha wo is tarah se karte the, brain washing karte the humans ki, aur uska tarika kar ye hota tha, wo jo cap hota hai usme ek silvery metal laga hota tha jiski wajah se wo human mind ko control karte the, which were closely fixed around the skulls, jo ki khopdiyon ke bilkul kareeb bun diya jata tha, chipka diya jata tha। एंड देवर वुमन इन टू द फ्लैश, और वो गोश्त में इन टू द फ्लैश ऑफ यू ऑफ द ह्यूमन, और वो इंसानों के सर के गोश्त में बुन दिया जाता था, ठीक है। ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स वेन अटेन द एज ऑफ 14 ईयर्स वर कंपल्सरीली कैप्ड, एंड इवन सच अ थिंग वॉज अटेंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव बाय फीस्टिंग एंड सेलिब्रेशंस। अच्छा, अब जो भी लड़के और लड़कियाँ 14 साल की उम्र के हो जाते हैं, लाजमी होता है उनके ऊपर कि वो कैप किया जाए उनको, ठीक है, और उसकी एक ज़बरदस्त सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है, एक ज़बरदस्त पार्टी सेलिब्रेट की जाती है, जिसमें बहुत सारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब शामिल होते हैं। तो ऐसी चीज़ जिसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे लिए कोई तकरीब की जाएगी और उसमें दोस्त अहबाब रिश्तेदार शामिल होंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी।
तो एक तरह से मुझे सेंट्रल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। तो ये इंसान की एक तरह की कमजोरी है। इंसान बहुत खुश होता है इस तरह की तकरीबात से। आमतौर पर शरीक होना भी जो है ना, मतलब शरीक होने में भी खुशी होती है, और अगर मेरे लिए कोई तकरीब की जाए तो उसकी भी खुशी होगी। तो इस तरह से वो अट्रैक्ट करते थे, इस तरह से वो ट्रैप करके और इस तरह की एक्टिविटी करते थे। नंबर फोर, डियर स्टूडेंट्स, इन द वर्ल्ड रूल्ड ओवर बाय द ट्राइपॉड्स, दुनिया जहाँ ट्राइपॉड्स की हुकूमत थी, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर कॉल्ड वैगरेंट एंड हाउ दे बिहेव। तो किस तरह के लोग वैगरेंट्स कहलाते थे और उनका बर्ताव कैसा होता था। ठीक है, कि जिस उस दुनिया में जहाँ ट्राइपॉड्स की हुकूमत थी, वैगरेंट कौन लोग, वैगरेंट्स कौन लोग थे और वो कैसे बिहेव करते थे, हम इसको देख लेते हैं। ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स इन कैपिंग प्रोसेस, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट हो जाते थे कैपिंग के, टोपी पहनाने के तरीका कार में। सम ऑफ द पीपल कुड नॉट बाय कंट्रोल्ड कुड नॉट कंट्रोल्ड बाय टेलीपैथी, कुछ लोग ऐसे होते थे जो कि टेलीपैथी के जरिए कंट्रोल नहीं किया जा सकते थे। देयर माइंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंडीशंस ऑफ द ट्राइपॉड्स, और उनके जहनों ने जो ट्राइपॉड्स की शर्तें थी या वो जो हालात थे उन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया था। सो दे ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो वो एक जगह से दूसरी जगह सफर करते रहते थे। दे डिड नॉट रिमेन इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो कभी भी एक जगह पर लंबे अरसे के लिए नहीं रहते थे। दे नेवर लुक्ड आफ्टर बाय द ट्राइपॉड्स, और ना ही ट्राइपॉड्स उनकी देखभाल करते थे, एंड इवन कैप्ट ह्यूमन बींग्स, और ना ही वो लोग जो जिनको जिनको टोपी पहना दी जाती थी, जो कि कैपिंग हो चुकी होती थी, ना ही वो लोग उनकी देखभाल करते थे। ऑल्सो डिसलाइक दैम, और कुछ माहौल ऐसा बन गया था डियर स्टूडेंट्स के वो लोग उन्हें नापसंद भी करते थे। यानी कि वो लोग जो कैपिंग हो चुकी थी, वो वैगरेंट्स को जिन्होंने कैपिंग नहीं करवाई होती थी किसी भी टेक्निकल रीजन से, और उनका माइंड बिल्कुल कबूल नहीं करता था ट्राइपॉड्स की जो कंडीशंस थी, तो ऐसे लोगों को जो कैप लोग थे वो नापसंद करते थे। दीज वैगरेंट्स वर बिल्डिंग एंटी ट्राइपॉड्स थिंकिंग अमंग द कैप्ट पीपल, सो दैट टू ओवर थ्रो द ट्राइपॉड्स। अब ये वैगरेंट्स थे, ये क्या करते थे, ट्राइपॉड्स के अगेंस्ट थिंकिंग क्रिएट करते थे। वो लोग जो जिनकी कैपिंग हो चुकी थी, जो टोपियां पहन चुके थे, जो ट्राइपॉड्स के समझने लगे चाहिए कि गुलाम बन चुके थे, उनके दरमियान वो लोग ट्राइपोर्ट्स के बारे में, ट्राइपोर्ट्स के अगेंस्ट उनके खिलाफ बात करते थे, उनके खिलाफ लोगों को कहना चाहिए कि मालूमात फराहम करते थे, ताकि लोग समझ सके कि दरअसल हकीकत क्या है। लेट्स टेक नेक्स्ट स्लाइड डियर स्टूडेंट्स। व्हाट डू यू नो अबाउट ऑजमेंडस द वैगरेंट, क्या जानते हैं आप ऑजमेंडस के बारे में। ऑजमेंडस वॉज अ बिग रेड हेयर्ड बियर्डेड मैन। ऑजमेंडस एक बड़ा लाल बालों वाला और दाढ़ी रखने वाला शख्स था, यानी कि एक ऐसा शख्स था जो कि जिसका कद काठ बहुत बड़ा था, उसके बाल लाल थे और उसके दाढ़ी भी थी, ये उसका डिस्क्रिप्शन है, वो इस तरह का था। ही वॉज अ रोमांटिक मैन इंटरेस्टेड इन पोइट्री, और वो पोएट्री में का बहुत शगफ रखता था, उसको पोएट्री से, शायरी से बहुत दिलचस्पी थी। इन सिंग एंड सिंगिंग सॉन्ग्स, और गाने गाने में भी उसको शौक था, गाने गाने का भी उसका शौक था, शायरी से भी दिलचस्पी थी और गाने गाने में भी उसको दिलचस्पी थी। ही वॉज नॉट वेरी इंटेलिजेंट एंड कुड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंस एंड नॉन सेंस, और वो जो ऑजमेंडस था वो कोई बहुत जहीन इंसान नहीं था, बल्कि अक्ल और बेअक्ली की बातों में उसको कोई फर्क ही महसूस नहीं होता था। वो कभी भी सेंस और कभी भी नॉनसेंस की बातें, इस तरह की बातें कर जाया करता था। इन ट्रू सेंस ही वॉज पोजिंग एज वैगरेंट सो दैट ही कुड फ्रीली ट्रेवल थ्रू द लैंड विदाउट बींग चैलेंज्ड। अगर हकीकत देखी जाए
हकीकत में ऐसा था कि वो वैगरेंट की तरह पोज कर रहा था ताकि वो आज़ादी से यहाँ वहाँ घूम सके और उसे चैलेंज ना किया जाए। ही वोर अ बोगस कैप टू चीट द पीपल एंड द ट्राइपॉड्स, और वो एक नकली कैप पहने रहता था ट्राइपॉड्स को चीट करने के लिए। ही ओपनली टोल्ड द पीपल दैट ट्राइपॉड्स वर एनिमीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड दे वर एलियंस इन एलियन इन्वेडर्स एंड नॉट ऑल बेनिफैक्टर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और वो लोगों को बताता था। ही ओपनली टोल्ड द पीपल, वो खुले आम लोगों को बताया करता था दैट ट्राइपॉड्स वर एनिमीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, के ट्राइपॉड्स इंसानों के दुश्मन हैं और वो एलियन इन्वेडर्स हैं, वो बाहर से आए हुए जंगजू हैं, यानी कि हमारे ऊपर उन्होंने बाहर से हमला किया है। एक तरह से वो ये समझता था कि वो हमलावर हैं। एंड नॉट ऑल बेनिफैक्टर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और सारे के सारे इंसानों के फ़ायदे में नहीं है, बेनिफैक्टर्स नहीं है वो इंसान के फ़ायदे के लिए नहीं है। जैसे कि इंसान ऐसा सोचने लगे थे कि हमारे फ़ायदे में है, इनकी सोच ये है कि हमारा फ़ायदा, मगर ऐसा नहीं था। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, व्हाट हैड प्रोबेबली कॉज द रुइन ऑफ ग्रेट सिटीज, जो अजीम शहर थे, तो क्या वजह हो सकती है उनकी तबाही की? ठीक है, अब देख लेते हैं, गैस कर लेते हैं। सम नेचुरल क्लैमिटीज सच एज अर्थक्वेक्स, फ्लड्स और एपिडेमिक्स कॉज द रुइन ऑफ द ग्रेट सिटीज और दे वर डिस्ट्रॉयड इन वॉर। यहाँ पर राइटर ने कुछ दो तीन तरह के आइडिया लगाए हैं, जैसे कि कोई आसमानी आफत, कुदरती आफत आई होगी, या कि जलजला आया होगा, या के सैलाब की वजह से तबाह हुए होंगे, या कोई एपिडेमिक्स डियर स्टूडेंट, इस तरह की जैसे कि वबाई मर्ज होता है। ठीक है ना, वबाई मर्ज से ये होता है कि लोग गिरोह के गिरोह मर जाते हैं, ख़ानदान के ख़ानदान एक साथ ही मरना शुरू हो जाते हैं और गांव के गांव मर जाते हैं। ठीक है, तो शायद उन अजीम शहरों की तबाही की ये वजह हो, या फिर वो जंग में तबाह हो गए, या फिर कोई बड़ी जंग हुई हो और वो जंगों में तबाह हो गए। ठीक है, लेट्स टेक अनदर स्लाइड डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट, फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग अबाउट द चैप्टर यू मस्ट गो थ्रू एसएसटी नोट्स। ठीक है, डू अ वेरी गुड प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन एंड गेट सक्सेस विद फ्लाइंग कलर्स। ये मेरी तरफ से आपको दुआ है कि आप ज़बरदस्त किस्म की कहना चाहिए कि कामयाबी हासिल करें और भरपूर तरीके से तैयारी करें हर सब्जेक्ट की और हर चैप्टर की। और डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ये सीन कॉम्प्रिहेंशन का सीन किस तरह से होता है, यानी कि ये पेपर में आता किस तरह से। सीन कॉम्प्रिहेंशन आपका पेपर में मिड में इस्तेमाल होता है, दो तीन सवालों के बाद ये सीन कॉम्प्रिहेंशन होता है। सबसे पहला अनसीन कॉम्प्रिहेंशन होता है और उसी की आपको समरी करनी होती है, वो दूसरा सवाल होता है। तीसरे सवाल में आपको आपकी स्टोरीज के मुतालिक, जिस तरह से चार्ल्स है, अर्ली ऑटम है, अ मैन हु हैड नो आइज, इस तरह की जो स्टोरीज हैं उसके क्वेश्चंस, थ्री क्वेश्चंस सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, थ्री क्वेश्चंस दिए जाते हैं डिफरेंट स्टोरीज में से, उसमें से आपको दो सवाल सॉल्व करने होते हैं और एक सवाल की आपको चॉइस होती है। ठीक है, और उसके बाद डियर स्टूडेंट स्टार्ट, उसके बाद हम करते हैं सीन कॉम्प्रिहेंशन। तो ये जो मैं आपको ट्राइपॉड्स पढ़ा रही हूँ, या मैंने आपको जो हमारा प्रोबोट है, प्रोबोट पढ़ाया, और जेंटल जाइंट्स हैं, इस तरह के जो चैप्टर्स आपने बुक में पढ़े हैं, इसमें से सीन कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो मैंने कुछ आपको एक्सरसाइज भी करवाई है, क्लास में मैंने आपसे इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे कि क्वेश्चन आंसर्स करें, वर्ड्स मीनिंग भी मैं एट द टाइम करवाती रही हूँ, और कुछ और डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है ना, मैचिंग द कॉलम्स होते हैं, उस तरह की एक्सरसाइजेज मैंने आपको ड्यूरिंग द क्लास करवाई हैं, ताकि आपकी वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग की अच्छे से तैयारी हो जाए और क्वेश्चन आंसर्स भी आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, जब आप मेमोराइज करने चलें तो आप रिकॉल कर लें, ऐसा नहीं कि पहली बार आप सवाल देख रहे हो तो आपको उसको समझने में मुश्किल हो। आप ऑलरेडी क्वेश्चंस एंड आंसर्स कर चुके हैं अपने नोटबुक में। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको रिविजन दे दिया, अब इन तमाम
चीज़ों को अगर मिलाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। एंड आई होप एंड विश यू टू हैव अ गुड गुड रिजल्ट माई डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें ये होता है कि इसमें वर्ड्स के मीनिंग भी होते हैं सीन कॉम्प्रिहेंशन में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि वर्ड्स आपको वर्ड्स एंड फ्रेजेस दे दिए जाते हैं, उसके मीनिंग ढूंढने होते हैं, या फिर मीनिंग दे दिए जाते हैं और वो वर्ड्स एंड फ्रेजेस आपको पैराग्राफ में फाइंड आउट करने होते हैं। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं उस पैराग्राफ के बारे में, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से ही एक्सट्रैक्टेड होता है, जैसे मैंने अभी आपको ट्राइपोड्स पढ़ाया। अच्छा, एक सवाल मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया क्योंकि मैं तो टॉपिक अनाउंस करके चल रही हूँ और टॉपिक रेलेवेंट है आपका तमाम क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो मैंने तो टॉपिक अनाउंस करके स्टार्ट किया क्योंकि मैं आपको इस वक्त एक ही टॉपिक पढ़ाऊँगी और एक ही टॉपिक की मैंने आपको रिविजन करवाई है। तो जो क्वेश्चन होता है वो इस तरह से होता है कि आपको चैप्टर का नाम भी गैस करना होता है, ठीक है, और साथ साथ राइटर का नाम भी। अच्छा है, वैसे तो पूछा चैप्टर का नाम ही जाता है, ठीक है ना, लेकिन दैट इज़ गुड कि आप राइटर का नाम भी अंडरस्टैंड कर लें, याद कर लें और साथ साथ लिख दें, क्योंकि एक लाइन का सवाल होता है उसमें चैप्टर का नाम पूछा जाता है, उसके 2 या 3 मार्क्स होते हैं समटाइम्स। तो अगर आप थोड़ा सा डिटेल दे देंगे चैप्टर की, चैप्टर का नाम, राइटर का नाम थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, तो फिर ये दैट वुड ऐड ब्यूटी टू योर आंसर। तो इस तरह से आपका आंसर अच्छा हो जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया हो। अच्छा, मज़ीद मैं आपको पेपर के बारे में इंशाल्लाह समझाती रहूँगी बाय एंड बाय। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो हमारा ग्रामर का सवाल होता है। ग्रामर के क्वेश्चन में हम तकरीबन 5 सवाल होते हैं, ठीक है, एक में वर्ब करेक्शन होती है, एक में फ्रेजल वर्ब या प्रपोजिशन होता है, एक क्वेश्चन में आर्टिकल होता है, एक क्वेश्चन में नरेशन होता है, एक क्वेश्चन में एक्टिव एंड पैसिव होता है। ये 5 सवाल होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और हर एक के 5 मार्क्स होते हैं, ये तकरीबन 25 मार्क्स होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 25 मार्क्स ऐसे हैं कि आप पूरे के पूरे हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से मैथमेटिक्स में आप 100 out of 100 ले सकते हैं, तो यहाँ हमारे पेपर में ये 25 out of 25 आप मार्क्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें नंबर डिडक्ट ना ही कोई राइटिंग का नंबर डिडक्ट होगा और ना ही कोई कोहेरेंस या टेक्स्ट का नंबर डिडक्ट होगा, सिर्फ आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए, ठीक है, समझ में आई आपके बात। अगर आपने आर्टिकल पुट किया, यू नीड टू पुट करेक्ट आर्टिकल, प्रपोजिशन पुट किया या फ्रेजल वर्ब आपने सेंटेंस में फिल किया है, वो भी करेक्ट होना चाहिए, और आपका अगर आपने एक्टिव से पैसिव किया है तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। नरेशन आप करेंगे, नरेशन की मैंने आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई है माशाल्लाह से, आई होप कि आपको अच्छी तैयारी आपकी हो गई हो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप गूगल क्लास में सवाल कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। तो 5 सवाल अगर आप ये बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद हमारा आता है सवाल एसेज का। एसेज में आपको 3-4 टॉपिक्स दिए जाते हैं एसे के, ठीक है, और वो टॉपिक्स में से आपको सिर्फ एक सेलेक्ट करना होता है। एसे राइटिंग की, एसे की राइटिंग स्किल मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी, समझाई थी आपको एसे किस तरह अटैम्प करना है, ठीक है ना। एसे के टॉपिक को कंजुगेट करके आप उसके बहुत सारे आइडियाज़ कलेक्ट कर लें, और आइडियाज़ को पैराग्राफ फॉर्म में अगर आप लिखते जाएँ तो फिर आपके पास अगर नॉलेज कम भी होगी तो आप एक बड़ा एसे लिख सकते हैं। इन माई डेट कि आप एक यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपका ऐसे 120 वर्ड्स या 250 वर्ड्स का नहीं होगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका ऐसा तकरीबन 500-600 वर्ड्स का होना चाहिए, और अगर इस रजिस्टर के पेजेस अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 5 से 6 पेजेस होने चाहिए, ठीक है। अगर क्रिकेट के टॉपिक पे आ गया तो जो रीसेंट हमारा टॉपिक चल रहा होगा, रीसेंट इवेंट चल रहा होगा क्रिकेट का, तो वो उस पर आ जाता है। लेकिन इस वक्त क्रिकेट, इस वक्त इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हो नहीं रही है पेंडेमिक की वजह से, तो आप ये समझें कि COVID-19 एज द मेन टॉपिक इस पर लाजमी आएगा, तो इस पर ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे जनरल टॉपिक्स होते हैं, कुछ सोशल इश्यूज़ को लेकर उन पर आ जाता है, कोई पॉलिटिकल टॉपिक होता है उसको लेकर आ जाता है। इस तरह से 3-4 टॉपिक्स कलेक्ट करके आपको ऐसे दिया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वो है हमारा CV एंड लेटर राइटिंग।
ठीक है, सीवी मैंने आपको सिंपल फॉर्मेट सीवी का मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। सिंपल फॉर्मेट में आपको सीवी लिखना है और माइंडेड के आपको उसमें अपना ज़ाती डेटा नहीं देना और ना ही खुद को कंसीडर करना है, क्योंकि सीवी एक शायद एमबीए रिक्वायर किया गया हो और आपने अभी बीए ही के बीकॉम ही की क्लास में है, वो भी पार्ट वन में, तो ना ही आपकी एज मैच करेगी ना ही आपकी एजुकेशन मैच करेगी, तो आपके सन में जो आप लिखेंगे अपनी एजुकेशन के वो फ़र्क आ जाएगा, गलतियाँ हो जाएंगी। इसलिए हमेशा ही आप इमेजिन करें किसी और शख्स को और उस पर सीवी लिखें। और एक बात याद रखें कि सीवी के साथ कवरिंग लेटर इट इज़ अ वेरी फॉर्मल, ठीक है। और आपके पेपर में भी, वैसे हम यहाँ पाकिस्तान में कहीं भी अप्लाई करते हैं हम कवरिंग लेटर के बगैर ही अप्लाई कर देते हैं, बट मल्टीनेशनल में और अगर फॉरेन किसी कंट्री में आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको सीवी के साथ कवरिंग लेटर लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ आपके पेपर में भी सीवी और कवरिंग लेटर साथ साथ होता है और इसके 5-5 मार्क्स होते हैं, 10 मार्क्स आपके टोटल कुल मिला के होते हैं, 10 मार्क्स का आपका ऐसे होता है और इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस के मार्क्स डिवाइडेड होते हैं और वो आपको अगर आप 5 ईयर पेपर में देखेंगे तो वो आपको आसानी से पता चल जाएंगे और आइडिया भी हो जाएगा। होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड लक सिया, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, गुड बाय, टेक केयर, वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस विद फ्लाइंग कलर्स। मेरी दुआ है कि आप मेहनत करें और बेहतरीन काम